जिले के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट क्षेत्र के उतांबी गांव के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल उतांबी से बलड़ी तक पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उतांबी से बलड़ी तक पक्की सड़क नहीं होने से असीर मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, इससे उन्हें आवाजाही करने में लंबा चक्कर लगाना होता है। ऐसे में यदि कोई बीमार या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है, उसके चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का प्रदर्शन देख डिप्टी कलेक्टर अजमेर सिंह गौड़ बाहर आ गए। उन्होंने ग्रामीणों का ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। क्या मामले को लेकर? सर, हम ग्राम पंचायत उतांबी से आए हैं और हमारे रोड की समस्या है जो उतांबी से बल्ली तक की है। हमको इधर से आने जाने में दिक्कत होती है, लंबा पड़ता है, इसलिए हम ये रोड की मांग कर रहे हैं। बारिश के दिनों में क्या हालात रहते? सर, वहाँ तो अभी रोड नहीं बना हुआ है, पहले से पगडंडी वाला है, उसको पूरा करना चाह रहे हैं। कितने किलोमीटर का है? सर, 4 से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का दायरा। कितने गाँव को जोड़ता है वो रोड? सर, वो तो बोरी से बोरी भुथड़ उतांबी जोड़ता है। कहाँ पड़ता है ये उतांबी? उतांबी सर, ये 4 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? सुनील चौहान। क्या मांग की है आपने? सर, रोड की मांग की है, हमने 2-3 बार पहले भी दी चुके हैं, अभी ये 3री बार आया है ज्ञापन देने। क्या आश्वासन मिला अधिकारी? सर, अभी वो बोल रहे हो जाएगा। कितने किलोमीटर का है? सर, 6 किलोमीटर का। ठीक है। पानी हो रही, रोड नहीं है तो? रोड नहीं है तो आवागमन की काफ़ी समस्या हो रही है। हमें उधर से 50 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, बोरी धूलकोट से 80 से होते हुए आना पड़ता है। अगर हमारा इधर सीधे सड़क मार्ग बन जाएगा तो हम 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ जाएगा, 20 से 15 किलोमीटर में। और समस्या ये हमारी, किसी प्रकार का ज़्यादा अत्यंत बीमार हो जाता व्यक्ति तो लाने में समय हो जाता, फिर वहाँ से मार्ग है जो अगर सीधे बन जाता है तो हमें मंडी आने में दिक्कत नहीं रहेगी, हॉस्पिटल आने में दिक्कत नहीं रहेगी, और फिर कॉलेज की समस्या दूर हो जाएगी, घर से अप डाउन कर सकते हैं, जैसे काफ़ी सारी समस्या है अगर इधर सीधे रोड बन जाता है तो। आज कलेक्टर ऑफिस में आए थे, किस प्रकार विरोध किया और क्या आश्वासन मिला आपको? हमने धरना प्रदर्शन दिया और सर ने आश्वासन दिया है कि मामले को आगे पहुँचाएंगे करके। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विक्की सोलंकी है, जयस जिला। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।